नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के कर्क राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 31 अगस्त 2021 मंगलवार का दिन है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। नक्षत्र की अगर बात की जाए तो आज नक्षत्र होगा रोहिणी, और अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो आज होगा दोपहर 11:42 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। आज का सूर्योदय सुबह 5:48 पे और चंद्रमा की स्थिति होगी, चंद्रमा गोचर करेंगे वृषभ राशि पर, और रात्रि 10:15 पे मिथुन राशि पे गोचर कर जाएंगे। आज का जो अशुभ समय होगा वह तकरीबन सुबह 8:59 से लेकर सुबह 9:55 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कर्क राशि के दैनिक राशिफल की, और यह प्रोजेक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि के जातकों, आज बड़ा संकट है, आज के दिन थोड़ा सा भारी है। आज आपके मान सम्मान में ठेस पहुंच सकती है, मान सम्मान में कमियां देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। कुछ आपकी बेवजह विवाद हो सकते हैं किसी के साथ, चाहे मित्रों के साथ हो या फिर पड़ोसियों के साथ हो, या फिर रिलेशनशिप में या फिर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खटपीट देखने को मिल सकता है, तनाव देखने को मिल सकता है, अलगाव की स्थिति बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में आज कुछ आप उलझते हुए नजर आएंगे कर्क राशि के जातकों, थोड़ा सा इससे आपको बचना होगा, और बेवजह किसी के साथ विवाद ना हो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आज मित्रों के साथ आपको तालमेल बेहतर बना के चलना होगा कर्क राशि के जातकों, और आज लेन देन के मामले में सतर्कता बनाए रखने की जरूरत होगी। पैसे का लेन देन उधारी बिल्कुल ना करें, किसी को भी उधार कर्जा ना दें, चाहे कोई आपका रिलेशनशिप का हो या फिर घर परिवार का सदस्य हो। आज आपको वाहन चलाते समय भी थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, चोट चपेट लग सकता है क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा भारी है। तो कर्क राशि के जातकों, लेन देन के मामले में आज सावधानी बरतें, कहीं पर भी पैसा निवेश करने से पहले 2 बार या फिर 5 बार जरूर सोच लें, एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि पैसा डूब भी सकता है, पैसा फंस भी सकता है, जैसे कि लॉटरी सट्टे से दूरी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों, जीवन साथी के साथ मतभेद या फिर तनाव ना हो जाए, थोड़ी सी वाणी पे कंट्रोल बनाए रखें, वाणी पे लगाम रखिए, मीठी वाणी का प्रयोग करिए। और अगर लव पार्टनर की बात की जाए तो लव पार्टनर को आज यानी कुछ मनाने के लिए कुछ गिफ्ट और उपहार देने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे आज के दिन। आज आपको खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत होगी, बेवजह ये फालतू खर्चे आपको या फिर आपके लिए सिर दर्द का कारण बन सकती है, थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल बना रखें। आज खेल कूद में व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बना रहेगा, लेकिन फिर भी ध्यान देना होगा, घूमने फिरने से बचना होगा, और यहाँ पर बिजनेस व्यापार में कहीं पर भी पैसा निवेश न करें। करियर में बड़े अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर बना के चलें, मतभेद ना हो ध्यान रखने की जरूरत होगी, किसी के साथ विवाद ना हो, मित्रों का सहयोग लेना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यात्राओं से बचें, यात्राओं के दरमियान चोरी होने का या फिर चोट चपेट लगने की संभावना, इसलिए बचना होगा यात्राओं से। लव लाइफ में यानी थोड़ा सा असंतोष या फिर मतभेद है तो थोड़ा सा अपने पार्टनर को मनाना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, इसलिए तो कहा है कि आज का बड़ा संकट यानी आज का दिन थोड़ा सा भारी है कर्क राशि के जातकों। तो कर्क राशि के जातकों, आज के दिन यानी आपको संभल के चलने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि के जातकों, आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर मेहरून कलर, भाग के साथ निभा रहा आपका तकरीबन 69%। दोस्तों जाते तो वीडियो लाइक जरूर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए। जय शनिदेव।